तो गाइस, कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर क्रू मूवी का ट्रेलर आज हमने देख लिया। मूवी इसी महीने की 29 तारीख को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में रिलीज होगी। तो ट्रेलर देख के जो हमको समझ में आया, आइए आपको भी वो समझाते हैं। तो ट्रेलर में हमको दिखती हैं तीन खूबसूरत हीरोइनें, तब्बू, करीना कपूर खान और कृति सेनन। ये तीनों क्रू मेंबर के कैरेक्टर में नजर आती हैं। इन तीनों के अलावा इस ट्रेलर में दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा भी दिखाई पड़ते हैं। गोल्ड यानी कि सोने की स्मगलिंग में तीनों क्रू फंस जाती हैं और कहानी शुरू होती है। वहीं दिलजीत कस्टम ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे। वो स्मगलिंग का पर्दाफाश करते हुए दिखते हैं। क्रू के प्लॉट को विजय माल्या और किंगफिशर एयरलाइंस से जोड़ा गया है, मतलब थोड़ा बहुत, जैसे किंगफिशर एयरलाइंस को कोहिनूर एयरलाइंस और विजय माल्या को विजय माल्या। क्रू की कहानी में जब फ्लाइट एयरपोर्ट पे अराइव्ड होती है तो सभी पैसेंजर के उतरने के बाद भी एक पैसेंजर अपनी सीट पे जमा होता है, तो तीनों क्रू मेंबर तब्बू, करीना और कृति उसे चेक करती हैं, लेकिन वो पैसेंजर मरा हुआ होता है और उसके पास से मिलते हैं ढेर सारे गोल्ड के बिस्किट। गोल्ड देख के तीनों के मन में जन्म लेता है लालच और इसी लालच का खेल पूरे फिल्म में चलता है। थोड़ा बहुत विजय बालिया के कोहिनूर एयरलाइंस के बैंक करप्ट होने पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसकी वजह से तीनों को टाइम से सैलरी नहीं मिल पाती है या मिलती ही नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें मजबूर होना पड़ता है ये सब करने के लिए। क्रू को डायरेक्ट किया है राजेश ए कृष्णन ने और पैसा लगाया है अनिल कपूर, एकता कपूर, रिया कपूर और शोभा कपूर ने। फिल्म कितनी मजेदार होने वाली है ये बताएंगे आपको रिलीज के बाद, यानी कि 29 मार्च के शाम को। तो चलिए अब समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे एक और रिव्यू के साथ जल्द ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। चलिए खत्म करते हैं।